ये सिर्फ जी बात करें अगर सोयाबीन की, तो यूएस सोयाबीन वायदा देख रहे हैं काफी ज्यादा भारी गिरावट के साथ ट्रेड करता नजर आ रहा है। 3 से 4 ट्रेडिंग सेशन के अंदर यूएस सोयाबीन वायदा 1700 डॉलर से लुढ़क कर सीधे 1600 डॉलर तक आ गया, यानी कि 100 डॉलर की लगभग करेक्शन बन चुकी है। रूपा जी, इसके पीछे आपको क्या वजह लग रही है? जबकि देख रहे हैं ग्लोबल प्रोडक्शन सोयाबीन का कम रहने की उम्मीद है, ब्राजील अर्जेंटीना में भी प्रोडक्शन कम है, भारत में भी डिमांड है और सोयाबीन की कीमतें तेजी की हो रही हैं, तो यूएस सोयाबीन वायदा क्यों गिरा हुआ है? वो क्यों लाल निशान के साथ कारोबार कर रहा है? देखिए, यहाँ पर जो विदेशी बाजारों में गिरावट आई है, दरअसल डिमांड जो है इन लेवल्स पर कम हुई है, जिसकी वजह से थोड़ा सा प्रेशर कमोडिटीज के ऊपर बनता हुआ दिखाई दिया है और जियोपॉलिटिकल सिचुएशन के चलते भी थोड़ा सा डिमांड इफेक्ट हुई है, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि ऊपरी स्तरों से लगातार बाजारों के अंदर प्रेशर देखने को मिल रहा है। और वही मुझे लगता है कि ये प्रेशर शॉर्ट टर्म हो सकता है और ये गिरावट जो है आपको देखने को मिल सकती है, शॉर्ट टर्म रैली है। और अगर इसी तरीके से, क्योंकि हमने देखा है कि ओवरऑल देखे तो अपने हाई पर चल रहा था सोयाबीन यूएस के अंदर, तो वहां से करेक्शन भी थी और वो करेक्शन अभी फिलहाल मार्केट के अंदर आती हुई दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से बाजारों के अंदर गिरावट बनी है। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो अभी भी ट्रेंड काफी पॉजिटिव दिखाई दे रहा है और आगे चलकर उम्मीद की जा रही है कि बाजारों के अंदर तेजी बनी रह सकती है। जी,